अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बर्फ़ी जो मैं बनाई हूँ फटे हुए दूध से। अक्सर घरों पर दूध फट जाता है गर्मियों के सीज़न में, तो उसको फेंके नहीं, उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। फटे हुए दूध को हम छान लिए थे, उसका सारा पानी अलग कर दिए थे, उसमें से जो छेना निकला है उसे हम एक प्लेट पर रख लिए हैं और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, इसको दरदरा ही रखना है, दानेदार रह गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको मसल लेना है। फुल क्रीम दूध था, इसमें हम कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक पैन चढ़ा दिए हैं जिसमें हम 1.5 कप दूध ऐड किए हैं। दूध गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सारा छेना ऐड कर देंगे। छेना हम सब इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाना है, जब ये दूध एकदम गाढ़ा हो जाए। ध्यान रखना है कि इसको बस चलाते रहना है, वरना ये बहुत जल्दी नीचे चिपक सकता है और जल सकता है, इसलिए इसको चलाते रहना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा दूध गाढ़ा होने लगा है, अभी इसे हम और पकाएंगे। ये देखिए, पकते पकते ये कितना गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब हम इस पे शक्कर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 3 चम्मच शक्कर लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर अभी पिघलेगी और उसके बाद फिर इसको अच्छे से भूनना है। शक्कर पिघलने लगी है, अभी इसको अच्छे से भूनेंगे, इसका कलर खुद चेंज हो जाएगा, आप खुद देखिएगा, बस इसको चलाते रहिएगा। ये देखिए, भूनते भूनते इसका कलर चेंज होने लगा है। अब देखिए, इसको मैं भूनते भूनते बिल्कुल गोल्डन कलर का कर डाली। इसमें मैंने कोई भी घी नहीं डाली है और देखिए आप, इस पे साइड साइड पे घी छूट रहा है। यह भूंज गया है। अब एक थाली पर हम घी लगा लेंगे थोड़ा सा। और सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको जमाना है, इसको बराबर करके हम
कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बराबर हो गया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको बर्फ़ी का सेप दे देंगे। पीसेस में काट लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। आप भी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।